राम राम भाइयों, सौरभ ब्रदर्स के नए ब्लॉग में आज आपका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं कुछ वीडियो शूट करने, रील वील बनाने। तो भाई आ रहे हैं अनुपदाना जी हमारे हमारे साथ, देखिए बने रहिए ब्लॉग में। स्पेशल माम आ जाओ हमारे चैनल शेयर करो, कर कोट करने करता 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 खा प्यार है शेयर शेयर आ शेयर जीते जीते तीन के बना रहा है तू बना तो भाई सारे भाई रील बना रहे हैं गाड़ी घोड़े से। ये देखिए कुछ थार वार पे खड़े हैं, कुछ जीप में। ये देखो बदमाशी की रील बन रही है, सब सिस्टम से सिस्टम खड़े हुए हैं। देखो तो हमारे भाई गुजराने से भी हैं कुछ, एक अनुपदाना आया भाई हमारे। देखो रील बना रहे हैं सारे भाई, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। ये अमन रील की तैयारी चल रही है। और देखो भाई गाने की शूटिंग के बारे में बात कर रहे हैं भाई, गाने की शूटिंग के लिए बोल रहे थे, शूटिंग करने के लिए उसके बारे में कुछ चर्चा हो रही है शूटिंग के बारे में। और आपके बदमाशी का गाना बना रहा भाई, सिस्टम पर सिस्टम। ये देखो रील पर रील बन रही है भाई इनकी। और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है तो देखते रहो भाई, ब्लॉग में बने रहिए। ये देखो भाई सायरन बजा के हूटर मार के हुई हूँ। ये देखो सिस्टम, तो बने रहिए भाई ब्लॉग में एंड तक। आजा मोड़ ले उल्टी, कोई बात ना शेर। बिट्टू दे भाई, सिस्टम पे सिस्टम हो रही है। देखो भाई भाई को करो बहुत तगड़ो है सौरभ ब्रदर्स। देखियो मियां बोले भाई, बाजू दिखा रहे हैं डोले सोले। तो भाई अब मेरी बात में दंगा हो गया है, तो भाई इनके पास कॉल आई है, तो हम जा रहे हैं घर।
तो चर्चा करते हैं उस विषय के बारे में, क्या सिस्टम है, क्या किस कारण दंगा हुआ है। तो हम कुछ भाई बुलाएंगे अपने पड़ोसी गांव से, तो बात करेंगे, तो देखते हैं। फ़ोन तो कर ही दिया भाई के पास, आ जाओ तो बात करेंगे उस विषय के बारे में, तो देखना बड़ा मस्त। तो भाई अब पहुंचने वाले एक दो मिनट में घर, तो अब जाके बताते हैं क्या रहेगा क्या सी। दोनों समाज के भाई बैठे हुए हैं कुछ चर्चा करने के लिए, तो बताते हैं, देखते हैं, व्लॉग में बने रहिए। तो देखिए भाई सारे बैठे हुए हैं। नमस्कार भाइयों, तो भाई आप बताओ आज जो वीडियो है जा रही थी सेंसिटिव मुद्दे पे, तो आप बताओ जैसे माहौल चल रहा है नूह मेवात में सोना में, तो वहाँ के ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है। तो भाई यहाँ सारे समाज के सारे भाई बैठे हैं, हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं और सब बैठे हैं। बताओ मुकुल भाई लड़ाई गाड़ी घोड़ा फूके गई है, तुम्हारे पड़ोसी काम के हैं सारे भाई, हमें तो कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत है रही है तुम्हें? हाँ भाई अपने, और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है हमारा गांव, तो कोई दिक्कत ना है आपस में हमारा, तो भाईचारा बढ़िया बन रहा है। तो भाई सब भाई तो ये अपील है भाईचारा बना कर, कुछ ना करो इन बातों में, ठीक है घर खराब है क्या यही बात में, दो बात कहे माहौल तेज बोल, जब डर काहे कर रहे हो, माहौल बढ़िया है तो डिबेट के बीच में आता भाई मत करो। भाई सद्दाम बताएंगे नू में क्या दिक्कत आ रही है आपको? नू में लड़ाई हो रही है। तो दो जने जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है दो जनों से? दो जनों से दिक्कत ना, पुलिस ले जा, धारा 144 लग रही है, चूतर कूटे जा रहे हैं। सोएब भाई नेट 4 दिन से बंद है, तो आपको क्या लग रहा है? अफवाह फैल रही है ग्रुपों पे और हिंसा बढ़ती है। हाँ ये भाईचारा खराब हो रहा है इनसे। तो भाई आप टेढ़ा क्यों देख रहे हो, आप बताओ कुछ कैमरे के आगे आओ, देख भाईचारा कितना अच्छा बन। तो ये भाई अपने सारे ग्रुप में बैठे, तो भाई बताएंगे भाई कहाँ से हो? 16 का। तो आज थाली कैसे हो भैया? ऐसी बात है, ऐसा माहौल में कौन जाए घर से बाहर। अच्छा हाँ, ये माहौल ही इतना गर्म हो रहा है, माहौल बहुत खराब हो रहा है। सोएब ये सोएब भाई है, जिम भी नहीं जा रहे कई दिन से। सोएब भाई बॉडी पंप नहीं मार रही है। तो देख रहे हो जितने कुर्सी पे हैं इससे धोने थे, 4 दिन से लॉकडाउन लगा जब से बॉडी पंप छूट गई। हाँ भाई प्रशांत भाई हो यार, 3-4 दिन से तो नेट बंद है और नेट तो सही बंद है भाई, फेक न्यूज ज्यादा फैला रहे हैं, अफवाह ज्यादा फैल रही है, और अपना ऐसे में घर ही रहो, ज्यादा बाहर भीतर डोलने में फायदा ना, पुलिस भी उठा रही है। ये आपकी सही बात है। तो भाई भाईचारा बना रहे हो? ये अमन भाई है ये बताएंगे, भाईचारा बन रहा है? और देखो भाई है, भाई के लिए अमन भाई ने बुलाए हैं, अपने भाई पोलाड़ हैं, पोलाड़ भाई का भाईचारा देखो, ये भाई ने बुला रखे हैं, मुरसलीम है। तो भाई आपका नाम क्या है? इजार। तो आप? ये भाई शकील मुंबई रहते हैं, इसको खबर पहुंची है तो वहां से आ गए मुंबई से। तो सोएब तो कहां जा रहे हो आप? तो आप बताओ सद्दाम क्या कहना चाहोगे? कुछ कहना जा रहे हैं। गाड़ी वाड़ी काफी आंच लगा दी, आग लगा दी गाड़ियों में। तो ये भाई ये सब ड्यूटी पैसे वाले हैं, तो ये 5-6 दिन से थाली बैठे हैं घर पे अपने, कोई कहीं नौकरी पे जाता है, कोई सुनने में आ रही न्यूज में जैसे हमने देखे कि 150-200 करीब गाड़ी, कम से कम 150-200 गाड़ी। और तो भाई ये हमारे भाई आए हैं तरुण भाई, ये बताएंगे कुछ? वाह भागा फिर 150 करीब गाड़ी फूक दी है सुनने भाई न्यूज में, तो भाई गाड़ी वाड़ी मत फूक दे, ऐसी बात है, साल भर की कमाई रहे कई आदमी की, बहुत मेहनत ली जाए चीज, तो इन चीजें नहीं, मतलब बालक बच्चे ने छोटे छोटे काई काई पे कुछ इन चीजें मत करो भाई, अपनो देखो भाई क्या बना कर काई काई पर। तो भाई हमारे ओडल पलवल नू में तो धारा 144 लगाई हुई है, तो रोड वोड सब जाम कर रखे हैं, तो मंदिर मस्जिद पुलिस खड़ी हुई है सभी के आगे, तो कोई मार्केट में अंदर भी नहीं जाने दे रहे। तो भाई देख बिल्कुल फ्री पड़े हैं घर पे अपने, तो हमारे लोकल में तो भाई इनको सबको भाईचारो बन रहा अपनो। तो भाई मुरली मनोहर बोलेंगे, मुरली जी आप बात कहना चाहोगे? आप पुनाना जा रहे थे, क्यों नहीं गई पुनाना? लड़ाई दंगे के मारे भाई हमारे पुनाना भी नहीं जा पा रहे हैं 4 दिन से, बहुत मन कर रहा है पुनाना जाने का, पुनाना नहीं जा पाए। तो भाई आप क्या कहना चाहोगे? भाई एट द एंड हम तो ये कहना चाहेंगे। हाँ भाई यार क्या कहना चाहोगे आप? आपको भी जाना है क्या कहीं? नहीं मेरे कुछ नहीं, ये भी डर रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है, लोग डरे हुए हैं। भाई हम तो ये कहना चाहेंगे जो दोषी है उन्हें तो पुलिस पकड़े, और जो निर्दोष पकड़ लिए हुए पहले कल लेके गेले की टेम्पू में निर्दोष। बिट्टू आप क्या कहना चाहोगे बोलो, आप बोलो। तो भाई लड़ाई झगड़े में ना रखो कुछ भी, तो अपना भाईचारा बनाए रखो, इन पत्थर वत्थर ना फेंक रहे हो, इन तक कुछ ना है, अपनों घर ही खराब है जाएंगे।
तो अपना भाईचारा बना के रखो, इन सोशल मीडिया के अफवाह से दूर रहो। तो हम तो यही कहना चाहेंगे भाई। ठीक है, धन्यवाद भाई।